नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अचार मसाला, जो हम किसी भी प्रकार के अचार में यूज कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, इसे बनाने के लिए मैंने क्या क्या लिए हैं। धनिया मैंने लिए हैं 4 बड़े चम्मच, 2 बड़े चम्मच जीरा, 2 बड़े चम्मच अजवाइन, 2 बड़े चम्मच सौंफ, 2 बड़े चम्मच मेथी और 2 बड़े चम्मच मैंने कलौंजी लिए हैं। 5 बड़े चम्मच मैंने सरसों के दाने लिए हैं, मैंने पीली लिए हैं, आप चाहे तो काली भी ले सकते हैं, यानी राई के दाने भी ले सकते हैं। और मैंने 10 पीस लिए हैं, एक कश्मीरी लाल मिर्च है, आप चाहे तो नॉर्मल लाल मिर्च भी ले सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो गैस पर कढ़ाई रख लिए हैं, कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने देते हैं। तो अब कढ़ाई गर्म हो चुका है, इसमें हम सबसे पहले धनिया डाल लेते हैं और इन्हें डालकर 1 मिनट जितना हम लो फ्लेम पर भूनेंगे। हाई बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि हमें मसाला को ज़्यादा देर भूनना नहीं है और इसे जलाना भी नहीं है, जस्ट हम रोस्ट करेंगे हल्का, जिससे हमें मसाला मिक्सी में पीसने में आसानी हो जाएगी और मसाले में से नमी चली जाएगी, तो मसाले बहुत लंबे समय के लिए चलेंगे। तो 1 मिनट हम करीब कर लेते हैं इन्हें रोस्ट। अब इनमें डाल लेते हैं और बाकी के मसाले सारे एक ही बार में डाल लेंगे और इन्हें करीब आधा अथवा 1 मिनट इसे लो फ्लेम पर चला लेते हैं सारे मसाले को। तो अब ये हो गया है, इन्हें एक प्लेट में तुरंत निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें सरसों के दाने हैं, सरसों के दाने को बहुत देर तक भुनना नहीं होता है, इसीलिए इसमें रहेगा तो कड़वा हो जाएगा, इसीलिए प्लेट में तुरंत निकाल लीजिएगा। और ये मसाले को 1 मिनट जितना इसी में छोड़ देते हैं, जिससे ये थोड़ा ठंडा हो जाए, तब हम मिक्सी के जार में डालकर इसे पीसेंगे। तो अब डाल लेते हैं मिक्सी जार में इन्हें। तो चलिए इन्हें पीसते हैं और मसाला को हम बहुत बारीक नहीं पीसेंगे, थोड़ा सा दरदरा रखेंगे। तो एक बार खोलकर इसे नीचे ऊपर कर देते हैं, ताकि मसाला बराबर से पीसे। अब एक बार फिर से मिक्सी को चला लेते हैं। तो ये देखिए मसाला पीस चुका है और मसाला बहुत बारीक नहीं किए हैं, दरदरा ही रखे हैं, देख सकते हैं आप। इन्हें एक बर्तन में निकाल लेते हैं और अब इनमें डालेंगे एक कलौंजी। कलौंजी को हम खड़ा ही डालते हैं अचार के मसाले में, भुनेंगे भी नहीं और पीसेंगे भी नहीं, इसे इसी तरह से रखेंगे और मिला लेते हैं। आप चम्मच की सहायता से इस तरह से मिला लेते हैं सारे मसाले में। तो मिला लिए हैं और देखिए कितना अच्छा मसाला बना है, दरदरा ही है और देखने में भी कितना अच्छा है। आप चाहे तो इसमें नमक और हल्दी मिला सकते हैं, लेकिन हल्दी और नमक अचार बनाते समय हिसाब से डालें तो ही अच्छा होगा। इस मसाले को आप किसी साफ सूखे जार में भर कर रख लीजिए और कोई भी अचार जब बनाए तो आप अपने आवश्यकता अनुसार से इन्हें डालें। इस मसाले से आप किसी भी अचार बना सकते हैं, जैसे आम का, कटहल का, मूली का, गाजर का, मिर्ची का, किसी भी तरह के अचार में आप डाल सकते हैं इन्हें। और तो और इसे सब्जी में भी डाल सकते हैं, जब आपको अचारी फ्लेवर सब्जी में लानी हो तो सब्जी के मसाले में ये डाल लेंगे 1-2 चम्मच, तो उसमें अचारी फ्लेवर आ जाएंगे। तो आप ये मसाले बनाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी डेली अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ।